द ब्रुकलिन मास्क। ओके, वापिस हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर निकल चुके हैं विलन के स्कूल के लिए, और अभी आज हमें विलन के स्कूल से दोबारा से एस्केप करना है। दोबारा से स्कूल के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है और इस बार हम लोग करने वाले हैं वैन एस्केप, और हो सकता है कि हम लोग कुछ और नए नए बच्चों को भी यहाँ से लेके निकले। ठीक है, पहुंच चुके हमारी गाड़ी विलन के स्कूल के बाहर, और स्कूल इसका ना बहुत ज्यादा, देखो अगर दिन में हो, साफ सफाई हो, बहुत ज्यादा लग्जूरियस एंड बहुत मस्त है, कितना बड़ा स्कूल है ना कदम से। और इस आंटी को ना गाड़ी चलानी नहीं आती है, मैं हर बार मेरे को ठोकने को रहती है। हेलो भाई, क्या हाल है? अरे जो बंदे के ना घर के अंदर नीले हाथ के प्रिंट रहते हैं ना, वो शायद यही बंदा है। ठीक है ना, तुम लोगों ने देखा दीवारों वगैरह पे नीला हाथ छपा रहता है, वो इसी का होता है। बाय द वे, डे 1 स्टार्ट हो चुका है, हमारे पास 5 दिन है यहाँ से एस्केप करने के। I am Ayush and I am going to be good. Yes, मैं भाई अच्छे करूंगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। इधर एक नोट है, मिसेस नोट। ओके, थोड़ा साइड को अगर रीड करता हूँ। डोंट बी अफ्रेड, देर इज अ वे टू एस्केप फ्रॉम हियर बिफोर यू। मैनी मोर चिल्ड्रन हैव बीन ट्रिक्ड इनटू कमिंग इनटू दिस समर कैंप। आई कैन हेल्प यू इफ यू फॉलो माई एडवाइस। बाकी का पढ़ने वाला मैं, ये शायद कोई मंत्र वगैरह पढ़ रही है। यहाँ पर ना इसका वो रूम होता है जहाँ पे ये जादू टूना वगैरह करती है, एंड ये मेरा बिस्तर है जहाँ पे नन ने मेरे को मार के लेटा दिया था। भाई इसने मेरा खून बहुत बहा दिया है, और मेरे को ना अभी तक ये नहीं समझ आया। ये देखो, ये मेरा रूम है, यहाँ पर ना कुछ फिगर वगैरह पड़ी हुई है, जैसे कि ये पता नहीं किसकी फिगर है, किसी की तो है। यहाँ पे बाहर भी कोई चल के जा रहा था, यहाँ पे एक तंत्र मंत्र वाली बुक है और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे पहले मैं ऊपर चलता हूँ, और ऊपर थोड़ा सा ना हमारे लिए सेफ एरिया है। सेफ एरिया में खड़े होकर हम लोग रीड करते हैं कि अभी हमें करना क्या है। रीच द लॉन्ड्री, अभी हमें लॉन्ड्री में जाना है। यूज द न्यू रैम्प आई मेड फॉर यू इन द स्टैचू गार्डन टू एंटर द पार्किंग, कंटिन्यू एंड यू विल फाइंड द लॉन्ड्री, बी केयरफुल विद फिलिपा। ओके, शायद यहाँ पे अभी कोई एक और बंदा आ चुका है फिलिपा नाम का, और मेरे को एक स्टैचू गार्डन के अंदर जाना, जो कि कहाँ होने वाला मेरे को कोई आइडिया तो नहीं है। मैंने एक ही स्टैचू देखा था जो कि दूसरी साइड पे था। बाहर निकल दो सबसे पहले मैं यहाँ से, एंड मेरे को इसके घर से बाहर निकलना होगा ना। नथिंग वॉज सर, नथिंग वॉज सर, देयर वॉज दिस वॉज नथिंग। ठीक है ना। ओह शिट, ओह शिट, शीश, अरे भैया, अरे वो देख रहे हो तुम, नन सामने खड़ी है और वो आगे आ रही है। नन आ रही है, 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 मैं छिप रहा हूँ। ओके, नन जा चुकी है, और अभी मेरे को बस एक फ्यूज ढूंढना है एंड अपना काम हो जाएगा। मेरे को बस एक फ्यूज ढूंढना है, ठीक है, फ्यूज जो कि लगेगा ऊपर फ्लोर पे। मैं जाने वाला सीधा ऊपर, एंड ऊपर से फ्यूज ढूंढना शुरू करते हैं। ठीक है ना, मैंने फ्यूज अभी ढंग से कहीं पर ढूंढा नहीं है, वो मोस्ट प्रोबेबली किचन वगैरह में ही होता है, एंड किचन है हमारी ये वाली साइड पे। किचन के अंदर मेरे को फ्यूज ढूंढना है, इधर कहीं पे फ्यूज मेरे को दे दो अगर है तो, अगर नहीं है तो बता दो कहाँ पे मिलेगा मेरे को फ्यूज। वैसे इतनी आसानी से फ्यूज तो मेरे को मिलने नहीं लगा है ना। ओ लेट्स गो, फ्यूज मिल गया, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, मेरे को फ्यूज मिल चुका, फ्यूज मिल चुका है। फ्यूज को मेरे को लगाना है इधर वाले कमरे में, मैं जाऊंगा थोड़ा साइड से ताकि मेरे को कोई ढूंढे ना, एंड यहीं पे कमरा है जिसके अंदर मेरे को फ्यूज लगाना है, और सबसे पहले मेरे को इसको ओपन करना है, ये भी ओपन करो, और इस बार मेरे को यहाँ पे एक ही फ्यूज लगाना है, ये बढ़िया बात है। लेट्स गो, लीवर ऑन कर दो और नन को साउंड दो, चल गया होगा कि भाई कुछ तो यहाँ पे काम वाम हुआ है। एंड अभी मेरे को इस डोर को ओपन करना है, और नन भी वैसे इधर आती ही होगी, ठीक है ना, मैं निकल लेता हूँ। ये देखो, यहाँ पे नीचे वैन खड़ी हुई है, मेरे को लॉन्ड्री में जाना है। वो बोल रहा था कि एक ब्रिज ओपन करा है, क्या होता है ये वाला रास्ता ओपन कर दिया हो, ये रास्ता तो बंद ही अभी भी, ठीक है ना। उसने बोला है कि स्टैचू गार्डन में, अरे भाई यार ये नहीं सुधरेगी कभी, ये नहीं सुधरने वाली कभी। ब्रिज बनाया उसने मेरे लिए, वो उधर लॉन्ड्री का काम चल रहा है, स्टैचू गार्डन ना दूसरी साइड पे है। मैं काम करता हूँ, इधर से निकल के जाता हूँ स्टैचू गार्डन में सीधा, जहाँ पे ना स्टैचू मैंने देखा था लास्ट टाइम। मेरे को लगता है कि ब्रिज कहाँ पे, मेरे को शायद कोई आइडिया है ब्रिज कहाँ पे है। मैं इधर जाने वाला हूँ, इस साइड पर ही है शायद स्टैचू गार्डन, जहाँ तक मेरे को आइडिया है, जहाँ पे हम लोगों ने सीढ़ी से ना ऊपर गए थे। इधर है भाऊ का स्टैचू, और ये है स्टैचू, यहाँ से मेरे को आगे जाना है, और अरे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहाँ पर एक मार्क बना दिया मेरे लिए, उतर जाऊँ, लेट्स गो। नीचे आ गया मैं, लेकिन चोट लगी थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पर भी बोल रहा था कि किसी आंटी से ना सावधान रहना, डोर ओपन कर दिया मैंने, ठीक है, एंड थोड़ा बच बच के खेलूंगा, ऊपर नहीं जा सकता मैं। यहाँ पे वो बोल रहा था कि एक आंटी है जिससे तुम्हें ध्यान से रहना होगा, आंटी मेलोडी, नहीं पता नहीं क्या नाम है उसका। अच्छा, तो ये है लॉन्ड्री, ठीक है, इस लॉन्ड्री के अंदर ही मेरे को जाना है, एंड सबसे पहले मैं ये वाला डोर ओपन कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ठीक है ना, मेरे लिए भागने के अलग अलग रास्ते हो जाए। ये देखो, ये खड़ी है उसकी वैन, और वो अपनी वैन से आ गई है बाहर।
शायद देखने के लिए कौन है इधर। वैन चल पड़ी है उसकी, ये गई उसकी वैन। मेरे को जाना लॉन्ड्री के अंदर, इधर चल के देखता हूँ मैं, शायद मैं लॉन्ड्री के अंदर एंटर हो जाऊँ। ये उसका गैराज है एंड खुल जाए यार, गैराज नहीं खुलेगा। अब कहाँ जाऊँ? मिशन लॉग अपडेटेड, क्या हुआ भाई? ओके ओके ओके, मेरे को मिल चुका है स्टेंड क्लोथ। देयर आर चेस्ट फुल ऑफ यूनिफॉर्म्स इन द वैन, मेक फिलिपा अनलॉक द चेस्ट बाय फाइंडिंग अ पेंट देन स्टेन द यूनिफॉर्म्स। ओके, मेरे को जो वो कपड़े धो के लेके आई गई ना, वो मेरे को कपड़े उसके गंदे करने हैं। यहाँ पे नोट है, उठा लेते इसको। एंड हैव यू हर्ड द लॉस्ट चिल्ड्रन क्राई, वी विल रेस्क्यू देम इफ यू ट्रस्ट मी। हाँ भाई, मैंने आवाज़ तो सुनी है, कर लेंगे यार रेस्क्यू उनको, क्या दिक्कत है। ओके, ये रुक गई है इसकी वैन इधर। एंड मेरे को एक पेंट की बकेट ढूंढनी, ठीक है ना, यहाँ पे मैं छिप सकता हूँ। और ये मिस्टीरियस नोट तो मैंने देख लिया था। इधर एक डोर है जो कि परमानेंटली लॉक्ड है। ऊपर चलते हैं, ऊपर भी एक रास्ता है। ओके, मैं इधर आ गया हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये लॉन्ड्री का ही दरवाजा था। यहाँ पे मेरे को पेंट बकेट ढूंढनी है। ये दरवाजा ओपन कर दो, ऊपर जाने का एक रास्ता है। इधर क्या है? अदर साइड से लॉक्ड है, यहाँ पे भी मैं छिप सकता हूँ। ये दरवाजा ओपन करो और इधर पेंट बकेट, यहाँ पे क्या है? नोट है। माय डियर सन, अनदर ईयर हैज पास्ड, आई स्टैंड कांट शेक द लॉगिंग फीलिंग टू हग यू अगेन, आई होप दैट। अरे यार, ये किसी ना माता श्री का वो है भाई, पता नहीं कौन से। मेरे हिसाब से ना नन जो है वो आइसक्रीम अंकल की माता श्री है, उसके लिए लिखती है, ठीक है ना। द बेल विल रिंग व्हेन द लॉन्ड्री एलिवेटर ब्रिंग क्लोथ्स अप, इफ यू टेक वेरी डर्टी ब्लैक क्लोथ्स टू द लॉन्ड्री इट विल टेक एट लीस्ट वन वीक टू क्लीन देम। ओके, जब बेल रिंग होगी तब ये आएगी और देखेगी कि इधर कपड़े वगैरह है, कपड़े रखने के लिए आएगी, ठीक है ना। एंड मेरे को पेंट ढूंढना, जो कि अभी तक मेरे को मिला नहीं है। ये सारे के सारे लोग हैं, ओनली फिलिपा कैन ओपन इट, फिलिपा ही ओपन कर सकती है और कोई नहीं इसको ओपन कर सकता। मेरे को देखना है कि इसके इधर लॉन्ड्री के अंदर कुछ है क्या यहाँ पे। ओके, बास्केट इज लॉक्ड, सिर्फ वही इसको ओपन कर सकती है। ओके, फिलिपा और कपड़े लेने गई है। अरे यार, शिट शिट मैन, शिट 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 शिट, नन ने मेरे को देख लिया। मेरे को एक पेंट की बकेट ढूंढनी है। पेंट की बकेट मेरे को कहां से मिलेगी? मेरे को कोई आईडिया नहीं। पेंट बकेट, पेंट, भाई साहब तू भी इधर एक था ना। अबे छिप गया हद्दा भाई, एक पेंट बकेट तो चाहिए, दे दे भाई, बड़ा आरामी है यार। रुको जरा, मैं इधर कॉलेज के अंदर ढूंढ के आता, ठीक है ना, जहाँ पे ऊपर लाइब्रेरी वगैरह रूम्स वगैरह ना, क्या पता उधर मिल जाए पेंट बकेट। ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम के अंदर हो सकती है पेंट बकेट, क्योंकि ये काफी ज्यादा रंगीन सा इलाका है, लेकिन होती नहीं है यार, मैंने पिछली बार भी देखा नहीं था ऐसा कुछ। इधर हो सकता है, क्या पता मेरे को कहीं ना कहीं से मिल जाए। ओए, इधर वही बिस्किट वाला बॉक्स है जिसके अंदर से मेरे को चाबी मिलेगी, लेकिन मेरे को अभी डोर एस्केप नहीं करना है ना। डोर एस्केप तो हमारे को करना ही नहीं है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है ना। इधर ब्रूम भी पड़ा हुआ है और डोर एस्केप मैं आराम से कर सकता हूँ। इसको निकालते हैं एंड वहां से मेरे को तोड़ना है ये ऊपर छत का, ये वाला, ठीक है ना। ब्रूम तो मेरे को ऐसे ही मिल गया इस बार। चलो ये ले, ये सीलिंग तोड़ो, ठीक है, लेट्स गो। सीलिंग तोड़ता हूँ मैं, ये तोड़ी पूरी की पूरी सीलिंग। जोर से मार, जोर से, एक और एक और एक और, आ गया क्रोबार नीचे। झाड़ू फेंकना मेरे को, ये फेंक दिया झाड़ू, ये उठाओ क्रोबार। मेरे को जाना है ऑडिटोरियम के अंदर, ऑडिटोरियम के अंदर आ गया मैं। इधर से मेरे को उतारने ये सारे के सारे कील, ना ना ये इधर उतार दूं, उतार। उठा, लेट्स गो, उठा लिया बक्सा, नन आ रही है। मैं यहां से निकल लेता हूँ चुपचाप, मैंने कुछ देखा ही नहीं, ना मैंने कुछ करा है, ना मैंने कुछ देखा है, मेरे को पता ही नहीं कि भाई ये जगह कौन सी है। मैं निकल लेता हूँ बाहर और इधर ये चाबी रखता हूँ ऊपर। एंड ये ले गया मैं चाबी ऊपर, मतलब चाबी नहीं, जो भी बक्सा है बक्से को ऊपर लेके चलते हैं। क्या पता इसके अंदर से पेंट की बकेट निकल जाए, है ना, हो सकता है क्या निकल आए, बाकी मेरे को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना। इसको लेके चलते हैं ऊपर एंड मैं बेल वाले रूम के पास आ चुका हूँ। यहाँ पे ये घोंसले का है ना, ऊपर कौए हुए है ना, शायद इनका घोंसला घोंसला होगा ऊपर, है ना। ये भी डोर ओपन हो रखा है, यहाँ से फेंकता हूँ मैं इसे नीचे, ठीक है। वाज दैट रेड बॉक्स ओपन हो चुका है एंड मेरे को जाना है इधर से नीचे, ठीक है। अब मैं गिरूंगा नहीं भाई, एक बार मैं गिर गया था यहाँ से नीचे, ये गया मैं नीचे। हेलो, है क्या, आवाज तो नहीं आ रही, नीचे ना गई भाई, बस मैं आ गया हूँ नीचे।
भाई अगर वो हुई ना नीचे मेरे लगने वाले हैं। दरवाजा तो बनती है, बोलो। एंड मेरे को चाबी मिल गई मेन डोर की, हैं? एक सेकेंड, क्या वो बकेट मेरे को बाहर से मिलने वाली है? मेरे को समझ नहीं आ रहा। आए बकेट बाहर से मिलेगी क्या मेरे को? रुको जरा, ये देखो ये मेन डोर, इसको ओपन करता हूँ मैं, बाहर जाता हूँ। अरे भाई नन आ रही होगी, मेरे को बकेट ढूंढनी, बकेट बकेट बकेट। एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई, मैं तो एस्केप हो गया। अरे भाई ये क्या था भाई, फास्टेस्ट एस्केप एवर भाई, फास्टेस्ट एंड द एवर फास्टेस्ट स्पीड रन हो गया। आए भाई स्पीड रन हो गया लिटरल भाई, मैं इधर पेट की बकेट ढूंढ रहा हूँ भाई, स्पीड रन हो गया बाय द वे। कोई बात नहीं, एस्केप करना हमारा मेन मकसद था और एस्केप हम कर चुके हैं बाय द वे। तो चले और आज की वीडियो में बस इतना ही। तुम लोगों को आज का एपिसोड पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक मार देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय।